बैठे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोरोना वायरस के किसी संदिग्ध मरीज को इलाज देने से नहीं किया जा सकता इनकार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोई अस्पताल कोरोना वायरस के किसी भी संदिग्ध मरीज को इलाज देने से इनकार नहीं कर सकता। मंत्रालय ने कहा एसईडीसी या आईडीएसपी को सूचित किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि निमोनिया के सभी मरीजों को कोरोना वायरस का टेस्ट कराना होगा। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली में तेजी से बढ़े रहे हैं कोरोना के केस। मरीजों की संख्या हुई 334। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 के करीब नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पूरे देश भर में मरीजों की संख्या 334 हो गई है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां अभी तक 63 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। कोरोना से देश के 22 राज्य प्रभावित है। कोरोना वायरस के डर से 4 अस्पतालों ने डॉक्टर का इलाज करने से किया मना, अब वेंटिलेटर पर। महाराष्ट्र में तेज बुखार और सांस लेने की समस्या लेकर आए 22 वर्षीय डॉक्टर को 4 निजी अस्पतालों ने यह कहते हुए भर्ती करने से मना कर दिया कि परिवार पहले मंजूरी लेकर आए कि उसे कोरोना वायरस नहीं है। कई घंटे बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और देरी के चलते अब वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।